गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम पार्ट फोर लेके आए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2018 का। पहले जो तीन हमारे पार्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, वहां से आप उनको देख सकते हैं। सो, जैसा कि अभी हम वेट करें एडमिट कार्ड्स की, तो होपफुली एक दो दिन में अप्रॉक्सीमेट कल तक हमारे पास एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। सो, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर अ गुड इन्फेंट केयर प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं गुड हमारे इन्फेंट केयर प्रोग्राम्स के लिए, उसके अंदर क्या क्या हमारी गाइडलाइंस इंक्लूड है गवर्नमेंट की तरफ से। दैट इज़ एज अप्रोप्रिएट प्ले होना चाहिए, कि जितनी उम्र है बच्चे की उसको उसी हिसाब से खेल खेलने चाहिए। इंडोर और आउटडोर एनवायरमेंट क्लीन और सेफ होना चाहिए। उनके जो केयर गिवर है, मीन्स जो भी वहाँ पर टेक केयर करने वाले पर्सनस हैं, केयर गिवर है, वो ट्रेंड होने चाहिए पर्टिकुलरली चाइल्ड केयर के अंदर। ऑल केयर गिवर मस्ट हैव स्मार्टफोन सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट पेरेंट्स। स्मार्टफोन होना चाहिए केयर गिवर्स के पास, ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सके पेरेंट्स से। एंड गुड टेलीविज़न प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस के लिए गुड टेलीविज़न प्रोग्राम होना चाहिए। सो, ये हमारे कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मींस एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्ले हमारा इंडोर आउटडोर गेम्स होनी चाहिए, और सेफ भी होना चाहिए, क्लीन भी होना चाहिए। साथ के साथ हमारे जो केयर गिवर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। ना तो किसी स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है और ना ही गुड टेलीविज़न प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। जो गाइडलाइंस आई थी उसमें सेफ और रिलायबल होना चाहिए, फिजिकल सेफ्टी होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, और पॉलिसीज़ के अंदर क्या होना चाहिए कि वो जो भी डे केयर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, लाइसेंस्ड होना चाहिए, और सारी की सारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो मानता हो, ऐसा हमारा डे केयर होना चाहिए। सेटअप एंड एक्टिविटीज़ में उसमें सोशल, रीडिंग, क्रिएटिव्स, ये सब एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। स्टाफ की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टाइम एंड लोकेशन पूरा सेट होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज कंपैरेटिव टू पेरेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट ग्लेयर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस इनटू द आई सच एज हेडलाइट ऑफ अ कार इन योर रियर व्यू मिरर। क्या इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी इनडायरेक्ट ग्लेयर लगती है, जो चमक लगती है, जो चौंध लगती है आँख में, जब आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, तो आपने देखा है ना कि पीछे से कोई भी गाड़ी आती है, सामने से आती है, तो वो क्या होती है, मेनली पीछे से आती है तो उसकी लाइट, हेडलाइट्स जली होती है, तो वो एकदम से ग्लेयर लगती है ना। तो वो हमारा किस चीज़ के, वो रियर मिरर के ऊपर लगती है। तो इनमें से कौन से हमें चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सके। सबसे पहले है ऑल्टरिंग द एंगल ऑफ द इनडायरेक्ट लाइट सोर्स, हम उसके एंगल को बदल दें लाइट सोर्स के। शील्ड्स को यूज़ करें, हुड्स और विजर्स को यूज़ करें, ताकि फिर हम स्ट्रेट उनको प्लेस कर दें अपने रिफ्लेक्टेड सर्फेसिस के ऊपर, या हम अवॉइड ही कर दें, मतलब रियर मिरर को हम रात को इस्तेमाल ना करें, या फिर कोई भी कलर्ड फिल्म उस रियर मिरर के ऊपर चढ़ा दें। सो, यहाँ पर कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा सेकंड इज करेक्ट, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट इज़ कि हमें उसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, कोई शील्ड अप्लाई कर देनी चाहिए, या हुड्स और विजर्स को हमें प्लेस कर देना चाहिए अपने रिफ्लेक्टेड सर्फेस के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यूज टर्म्स सच एज। व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में क्या टर्म्स यूज की गई है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजायर्ड आउटकम, एक्सपेक्टेंसी, ग्रोथ या वैलेंसी। सो, करेक्ट कोड जो है वो है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सेप्टेंसी, वैलेंसी एंड डिजायर आउटकम, दैट इज फर्स्ट, आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, विल परफॉर्म लीड टू आउटकम, है ना। क्या एक्सेप्टेंसी क्या चीज़ होती है, कि हम अपनी कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपने डिजायर्ड आउटकम्स को ला सकते हैं। इनटू इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब ये बिलीव दैट देर इज अ कनेक्शन बिटवीन हर एक एक्टिविटी और हर एक गोल के बीच में कनेक्शन होता है। डिग्री ऑफ विच रिवॉर्ड्स आर वैल्यूड, रिवॉर्ड्स को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हम वैल्यू करते हैं, उसको मापते हैं कि कितना हमारे लिए वो रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एंड इक्वल है कि मोटिवेशन, रीजन टू परफॉर्म, कि हम हमारा क्या रीजन है, हम उस चीज को परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, उस वो हमारा डिजायर्ड आउटकम रहता है, वो हमारा मोटिवेशन रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव एन इल्यूजन ऑफ हाइट, हम क्या चाहते हैं, हम इल्यूजन दे हाइट को जो हमारे फीचर्स चेंज कर दे कि हमारे एक फ्रेंड है उसकी हाइट क्या है, शॉर्ट है, तो अब हम उसे क्या ऐसा फीचर्स दे जिससे उसको हाइट उसकी इंक्रीज लगे, कंट्रास्टिंग कॉलर्स एंड कफ, सिंगल कॉलम ऑफ कलर, पॉइंटेड कॉलर्स, स्ट्रॉप पाइप पैंट्स या फिर पैच पॉकेट्स, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना चाहिए, ट्राई कॉलम ड्रेस, उसे कॉलम ड्रेस पहनानी चाहिए, मतलब लेंथ वाइज उसकी लेंथ लंबी लगे उसके लिए उसको लेंथ वाइज जो ड्रेस है वो पहननी चाहिए, वर्टिकल स्ट्रिप्स पहननी चाहिए, हाई वेस्टेड जीन्स को पहनना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक कलर सेम कलर्स को ही पहनना चाहिए, चूज द मोस्ट माइक्रो ऑफ प्रिंट्स, छोटे छोटे प्रिंट्स, जितने छोटे प्रिंट हो सकते हैं वो पहनने चाहिए, ठीक है, सुपर टॉल या सुपर शॉर्ट बूट्स उनको लेने चाहिए, ट्राई पॉइंटेड टो शू, जो पॉइंटेड टो शू होते हैं उनको पहनना चाहिए, टक इन योर शर्ट, डन अ वी नेक या फिर न्यूट्रल जो फुटवेयर्स होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, सेकंड इज हमें सिंगल कॉलर ऑफ कॉलम यूज़ करना चाहिए, देन पॉइंटेड कॉलर को यूज़ करना चाहिए एंड स्ट्रॉफ पाइप पैंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप फॉर एन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम आर, अगर हम एक एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम का एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट ऑफ द वियरर, वो विजिटर्स का इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करेगा, वो रेगुलेट करेगा प्रॉब्लम्स में, या वो सॉल्व करेगा हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, विटनेस होगा, फिजिबल होगा, मतलब फ्लेक्सिबल होगा अपनी प्रैक्टिसेस के लिए, या फिर आइडेंटिफाई करेगा ग्रुप लीडर्स टू द कम्युनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा सेकेंड, क्या क्या काम करेगा, वो एक तो इंटरेस्ट भी विजिटर्स का देखेगा, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज करेगा किसी भी प्रॉब्लम को एंड साथ में ही वो फिजिबल होगा अपनी प्रैक्टिसेस को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, कैंसर के रिस्क को डेवलप होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर, सो BMI इज ग्रेटर देन 30 kg/m², फिजिकल एक्टिविटीज, तंबाकू यूज़, हाई कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो फाइबर डाइट्स, हाई कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड मीट। यहाँ इन क्वेश्चंस जितने भी हमारे कोर्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आसान इसलिए भी हम उसको कह सकते हैं क्योंकि अगर हमें इतने सारे ऑप्शंस में से किसी एक या दो ऑप्शन की भी नॉलेज है तो हम इजीली अपना एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कौन सा, जिसके अंदर हमें वो जो फॉर श्योर हमें ऑप्शंस लग रहे हैं, मान लो चार ऑप्शंस यहां दे रखे हैं और दो के लिए मैं श्योर हूं कि अगर तंबाकू या हम BMI को यूज़ करते हैं, सो हम यहां पर BMI 1 में है तो सो 1 हमारे पता चल गया सब में 1 है एंड तंबाकू हमारा थर्ड हमारा किस में, इन 3 में है तो मैं फर्स्ट को पहले ही एलिमिनेट कर दूंगी। सो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, क्लियर। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए कब पता चलता है हमें, दैट इज सेकंड इज हमारा कि हमारा जब BMI हमारा हो ज्यादा हो जाए या तंबाकू यूज होना शुरू हो जाए या लो फाइबर डाइट हो या फिर हमारा हाई कंजप्शन हो प्रोसेस्ड मीट का। क्यों? क्योंकि ओबेसिटी जो है वो लिंक्ड होती है हमारे अलग अलग तरह के कैंसर से और साथ के साथ ही BMI जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी 30+ हमारी ओबीज कहलाती है। तंबाकू क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है लंग्स और लैक्सिया, मतलब वॉइस बॉक्स का, माउथ का, थ्रॉट, ब्लेडर्स, किडनी, लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज, कॉलम एंड रेक्टम एंड सर्विक्स, ठीक है। लो फाइबर डाइट क्या कॉज करती है, डैमेज करती है, जैसे कॉलन कैंसर, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल या डायवर्टिकुलरसिस का। और ईटिंग 50 g अगर प्रोसेस्ड मीट हम डेली खाएं तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमें प्रोस्टेट कैंसर या पैनक्रियाटिक कैंसर या ओवरऑल कैंसर मोरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एनामोनीज एसोसिएटेड विद इनकरेक्ट डिवीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर्स, कौन कौन से हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम के लेकिन इनकरेक्ट डिवीजन है उसकी, डाउन सिंड्रोम, क्लिफलेटर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या XXX सिंड्रोम। सो कोर्ट्स के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमारा डाउन सिंड्रोम नहीं है इसके अंदर आएगा। देखते हैं डाउन सिंड्रोम्स हमारा, इसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, जबकि क्लिनेफेंटर्स सिंड्रोम हमारा XXY सिंड्रोम कहलाता है, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है जो हमारे इफेक्ट करता है जेंट्स को। टर्नर सिंड्रोम्स ऑल्सो कॉल्ड, इसको गोनाडल डिसजेंसिस बोलते हैं, 45X मोनोसोमी, एक्स
TS फीमेल बोन होती है विद ओनली वन क्रोमोजोम के द्वारा, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हमारा XXX सिंड्रोम कहा जाता है। सो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट डिवीजन है सेक्स क्रोमोजोम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मोचिश, चोलाज, राबराइज, चालुक्याज, अहीर्स एंड कानबीज। सो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये कुछ एक एम्ब्रॉयडरीज के नाम दे रखे हैं उन्होंने। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आपको कमेंट सेक्शन, आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा कि हमारी टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज कौन सी, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा फर्स्ट रहेगा, दैट इज राबीज। इसको हम यूज़ करते हैं चेन स्टिच में, जो डेकोरेटिव यूज़ होती है वाइब्रेंट कलर्स के साथ। मोचिश ये एक चेन स्टिच है। अहिर्स ये हमारी एम्ब्रॉयडरी है, गुजरात की रिदमिक रो ऑफ एम्ब्रॉयडरी सर्कुलेशंस, और इसके अंदर हम क्या आरी एंड सोफ फ्रॉम बनासातनक, कथीपा, महाजन, कानबीज, राबीज एम्ब्रॉयडरीज। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायट्री, इन्होंने सर्वे बोला है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, कौन सा हमारा डायट्री सर्वे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड को यूज़ करता है, फॉलो करता है, डुप्लीकेट सैम्पल मेथड, 24 आवर रिकॉल, फूड बैलेंस शीट, वेटमेंट मेथड या डाइट मेथड। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, दैट इज 24 आवर रिकॉल सिस्टम जो होता है ये हमारा 24 घंटे का हमने क्या खाया है उस चीज़ का एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन से फूड्स कौन से बेवरेजेस हमने खाए हैं मिडनाइट से मिडनाइट तक। तो ये हम तब करते हैं कि एक तो हर किसी को याद रहता है ऑलमोस्ट कि 24 घंटे में उन्होंने क्या खाया, तो वो बता सकते हैं। फूड बैलेंस शीट क्या होती है, ये फूड आइटम्स होती है जितना भी ह्यूमन ने कंज्यूम किया होता है। डाइट हिस्ट्री क्या बताती है, हमें एनालाइज कराती है कि हमने कितना फूड इनटेक किया है। करेक्ट। सो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट इज हमारा 24 आवर रिकॉल, फूड बैलेंस शीट और हमारा डाइट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, रिसर्च विद ह्यूमन प्रैक्टिकल पार्टिसिपेंट्स क्रिएट एथिकल इश्यूज। जो रिसर्च होती है ह्यूमन पार्टिसिपेशंस को यूज़ करते हुए, ह्यूमंस को यूज़ करते हुए, उसके अंदर कौन सा एथिकल इशू आता है, बिकॉज क्वेस्ट फॉर साइंटिफिक नॉलेज कैन एक्सप्लॉयड पीपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर पार्टिसिपेंट्स का करेक्ट क्या है, पेमेंट फ्रॉम इट्स टाइम, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी या प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो किस क्या क्या हम करते हैं, तो देखो हम प्रोटेक्शन करते हैं किस चीज़ से, हार्म से, साथ के साथ हमारी प्राइवेसी के ऊपर ध्यान जाता है, और कन्फर्म्ड कंसेंट मतलब पेमेंट फॉर देयर टाइम के लिए पेमेंट नहीं है, जो हमारे जैसे रिसर्च के एथिक्स होते हैं ऐसे ही आपके यहाँ पर जो साइंटिफिक नॉलेज जिसको हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं पीपल्स को, लॉजिकल नॉलेज को, तो उसके बारे में यहाँ पर गिवन है। तो उस राइट के अकॉर्डिंग हमारा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के राइट्स हैं इंडिया के अंदर, हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव वर्क प्रोग्रेस। वर्क प्रोसेस को हमें अगर बढ़ाना हो, इम्प्रूव करना हो, तो हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स को यूज़ करना चाहिए, BEP, STS, SOP, ISO 9000, SPSC एंड JIT। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज ISO 9000, वो हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन का। SPC को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, क्या करता है ये, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और इम्प्रूव करता है प्रोग्राम्स को। JIT इज जस्ट इन टाइम, ये एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं लास्ट पॉसिबल मूवमेंट तक भी और जर्नली व्हेन दे आर ऑर्डर्ड। और STS इज सोशियो टेक्निकल सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एन अप्रोच टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पर सेकेंड सही है, तो मतलब STS हो गया आपका, ISO 9000 हो गया, SPC हो गया और JIT हो गया। बाकी दो की भी हम बात कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट BEP क्या है हमारा, ये कंपनी का रिवेन्यू होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है कंपनी का रिवेन्यू का। करेक्ट। देन SOP क्या है हमारा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये हमारा सेट है, सेट बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर्स कैरीड आउट कॉम्प्लेक्स रूटीन ऑपरेशंस। मतलब क्या है कि हमारा जो मुश्किल से मुश्किल हमारे काम होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूटीन हमारे ऑपरेशंस होते हैं, उसको वो क्या करता है, स्टैंडर्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो, जिसको हम एस एच जीज बोलते हैं, कम्युनिटी की, कैन बी मोबिलाइज्ड बाय, किस किस तरह से वो चलता है, कौन कौन उसको चलाने में मदद देता है, ग्राम पंचायत, बैंक्स, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल या लोकल ट्रेडर। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, दैट इज आर, हमारी ग्राम पंचायत सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाती है, जलाने में मदद देती है कम्युनिटी की, बैंक्स एंड हमारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव एक्सीडेंटली स्टेन्ड योर ड्रेस विद लिपस्टिक, लिपस्टिक लग गई है हमारी ड्रेस के ऊपर, कौन से रिएजेंट्स को हमें यूज़ करना चाहिए टू रिमूव द स्टेन। ऑप्शंस है एसीटोन, ग्लिसरिन, बेंजीन, पेट्रोल एंड मिथाइलेट स्पिरिट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ। फोर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें लाई करी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज बेंजीन, पेट्रोल एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। सो हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, ऑयल बेस्ड स्पिरिट होता है सच एज लिपस्टिक का, को जो ये क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है हमारी क्लोदिंग से, और हम सिंपल क्या करते हैं, डैबिंग करते हैं, मतलब टैप कर देते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट को, और उसके बाद उसको हम कोल्ड वॉश कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सर्विस मैनेजमेंट है जो, वो क्या करती है, शुड लुक एट द ब्रिंग अबाउट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल कैसे रिकॉर्ड करती है हमारी फूड सर्विस मैनेजमेंट, इनवॉइस, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्वेशंस, पर पैक्चुअल इन्वेंट्री, प्रोसेस चार्ट या फोरकास्ट एंड टैलीज। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, दैट इज फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। फर्स्ट इज इनवॉइस, रिक्वेस्टिशंस, देन परपेक्चुअल इन्वेंट्रीज एंड लास्ट इज आर फोरकास्ट एंड टैलीज। तो कैसे, इन्वॉइस क्या होता है, इन्वॉइस का मतलब होता है हमारा बिल। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ होती है, कि हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कोई भी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। रिक्वेस्टेशन होता है हमारा, ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो किसी भी यूज ऑफ प्रॉपर्टी या मटेरियल के लिए हमें एक ऑफिशियली ऑर्डर दिया जाता है। प्रोसेस चार्ट हमारा एक चार्ट होता है जिसके अंदर हम सीक्वेंशियल डिटेल्स डालते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए। एंड फोरकास्ट क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होती है ज़्यादा फूड्स की, मतलब जितनी सर्विसेज, जितना एक्स्ट्रा कॉट हमें कॉस्ट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग फूड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस हमेशा कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन हमारा आपका पेपर वन में भी आता है, पेपर टू में भी आता है, सो आपको इसका ऑप्शन बहुत अच्छे से पता होगा, यूनिवर्सल, सिस्टमैटिक, इंटेंशन, इंटरेक्शन एंड फंक्शनल। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए और फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है। सो आंसर इज फोर, दैट इज आर, यूनिवर्सल, सिस्टमैटिक एंड फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्पाइसेस हैं हमारे उसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स किस में आता है, एनीसीड्स, टर्मरिक, एसेफेटिडो, नटमेग या फिर क्लोव के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज आर, टर्मरिक में, एसेफोटिडा या फिर हमारे नटमेग में। देखते हैं, टर्मरिक के अंदर कुर्क्यूमिन फाउंड होता है जो हमारा सबसे ज़्यादा अच्छी हमारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। नटमेग सीड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ उसमें एक्टिव होती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एसेफोटिडिया हमारा ग्रोथ करता है हेल्दी इंडस्ट्री एज एन सेफ और इफेक्टिव सोर्स है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का। हम बात करते हैं बाकी दो की भी, तो क्लोव हमारा एंटीसेप्टिक और एंटी एलर्जिक रहता है और एनिसीड्स भी हमारे क्या रहते हैं, एंटी फंगल, बैक्टीरिया एंड इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन रीजन के सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें समझना चाहिए। जैसे एजर्शन दे रखा है कि एक पॉलिसी है चाइल्ड एडॉप्शन की इंडिया के अंदर, वो क्या स्ट्रांगली बिलीव करती है कि जो प्लेसमेंट होती है, ठीक है, अर्ली प्लेसमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स दैट इंडियन फैमिलीज और अ फॉरन फैमिलीज, मतलब कि ये ध्यान में रखते हुए कि ये हमारी इंडियन फैमिली है या फॉरन फैमिली है। सो यहाँ पर आंसर क्या है, फर्स्ट, दैट इज़ ए इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता, अगर वो इंडिया के अंदर काम कर रही है तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग काम करेगी ना, ठीक है, वेदर वो फॉरेन फैमिली उसको लेना चाहती हो या फिर इंडियन फैमिली उसको लेना चाहती हो। एंड रीज़न क्या है, अर्ली प्लेसमेंट इन एडॉप्शन विद लीड टू बेटर आउटकम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये बिल्कुल सही बात है, अर्ली प्लेसमेंट इन एडॉप्शन का मतलब क्या है, कि जल्दी से जल्दी बच्चे को कोई भी फैमिली मिल जाए और उस फैमिली को बच्चा मिल जाए जिसकी वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो जाए, इसलिए आर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज रीड द स्टेटमेंट, हमने कोड बताना है, एजर्शन दे रखा है, पपेट्री यूज
एंटरटेनमेंट्स एजुकेशन स्ट्रेटजी टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम पपेट्री को एज एन एजुकेशन, मतलब हम एजुकेशन लेकिन एंटरटेनमेंट वाली एजुकेशन मानते हैं, सो इट इज़ इनकरेक्ट, हम उसको एंटरटेनमेंट वाली एटलीस्ट एजुकेशन नहीं बोलते। और जो पपेट्री है उसके अंदर डिटेल और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है पीपल्स को, देन येस इट इज़ करेक्ट। सो हमारा क्या चीज़ रहेगा इसके अंदर, आप लोग आई बटन के अंदर देख सकते हैं, आई बटन के अंदर आप लोगों को मिलेगा कि हमारा, हमने टाइप्स ऑफ पपेट का वीडियो बना रखा है, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो पपेट है वो हमारी टीच करते हैं किसी भी मैटर को लार्ज पीपल्स एक ही टाइम में। और ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील्ड ऑफ एजुकेशन है ये, ठीक है, ज़्यादा एम्फसाइज करता है, अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट्स इसमें यूज़ होती है और ट्रेडिशनल से आज तक ये इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइक आपका महाभारत भी में भी रेफर किया गया है पपेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इट इज़ पॉसिबल टू डाई टेक्सटाइल, क्या ये पॉसिबल है कि हमारा टेक्सटाइल डाई हो जाए जिसके अंदर फाइबर हैव डिफरेंट डाई एफिनिटीज़, अलग अलग फाइबर्स हो उसकी अलग अलग डाई एफिनिटी हो और हम एक ही सॉलिड से उसको सॉलिड कलर से उसको डाई कर दें। सो ऐसा बिल्कुल भी हमारा हो सकता है, और डाई हैविंग एफिनिटी फॉर डिफरेंट फाइबर्स टाइप्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वन सॉलिड कलर, एंड एक स्पेशल तरह की डाई होती है जिसके अंदर यान फैब्रिक या फिर गारमेंट जो अलग अलग तरह के फाइबर से बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंगल बात के अंदर ही हमारे डाई हो जाते हैं और डाई कलर भी हो जाते हैं फ्रॉम वन टाइप ऑफ फाइबर। सो बोथ आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द चैलेंज इन हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर का चैलेंज है एट प्रेजेंट ड्यू टू न्यूट्रिशन ट्रांजिशन, वो हमारे अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन क्या दोनों के लिए है, एंड रीजन की बात है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इंडिया के अंदर रिजल्ट कर रहा है इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, एल्डर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो हमारा फर्स्ट जो हमारा assertion है वो हमारा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि हाँ अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम इंडिया के अंदर, और रीज़न हमारा करेक्ट है बिकॉज जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इंडिया की वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन का एज कंपैरेटिव टू हमारे हमारे किसके साथ, हमारे चिल्ड्रंस के साथ। और साथ के साथ एक और चीज़, यहाँ पर सिर्फ assertion और रीज़न के अंदर अगर कोड्स के अंदर सिर्फ कंपैरिजन दे रखा है, करेक्ट और इनकरेक्ट दे रखा है, तो आप सिर्फ करेक्ट एंड इनकरेक्ट करेंगे, लेकिन कई जगहों पे ये बोला जाता है कि वेदर रीज़न जो है वो assertion के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तब हमें उनको आपस में मिलाना पड़ता है, वरना हमें उनको आपस में मिलाना नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी ही वैलिडिटी देखनी पड़ती है कि वो सही है या गलत है। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS Fashion को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस।